चोटी लद्दाख के पूर्वी लेह में आज सुबह 5:13 पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पूर्वी लद्दाख से 174 किलोमीटर दूर था। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार के जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। जिला पुंछ में बैक टू विलेज फेज 3 मंडी में सेकंड फेज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मंडी में बीडीसी चेयरमैन और मकामी लोगों ने शिरकत की। मकामी लोगों ने मांग रखी कि मंडी में बनाए जा रहे बाईपास पुल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। वहीं लोगों ने मांग रखी कि गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य शुरू किए जाएं। पाकिस्तानी सेना ने बीती देर शाम जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भारी गोलाबारी कर मोर्टार शेलिंग की, जिसमें भारतीय सेना के सूबेदार रैंक के अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कुछ देर बाद भारत के वीर सपूत सूबेदार सुखदेव सिंह ने दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। जिला राजौरी के थाना मंडी मुगल रोड के रास्ते से कश्मीर घाटी की ओर जा रही एक टाटा सुमो की तलाशी के दौरान सेना और पुलिस ने आतंकियों के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड और कुछ गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी निकायों के उपचुनाव के साथ साथ कराए जाने की तैयारी चल रही है। बैक टू विलेज 3 के संपन्न होने के बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है। कश्मीर संभाग में 9 चरणों और जम्मू संभाग में 3 चरणों में उपचुनाव होना प्रस्तावित है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के सुरनकोट में पुलिस की एसओजी और सेना की 16 RR द्वारा सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान बयांगरा इलाके में एक बैग बरामद किया गया, जिसमें AK-47, 3 AK मैगजीन, 1 मेड इन पाकिस्तान पिस्टल और एक AK-47 के 150 राउंड बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला राजौरी के डांगरी एक्शन कमेटी की चेयरमैन रेखा शर्मा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से डांगरी क्षेत्र के लोग डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए अनुरोध किया कि जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज दिया जाए और क्षेत्र के साथ इंसाफ किया जाए। बिहार में NDA से बाहर निकलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य के लोगों को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि नीतीश कुमार के JDU उम्मीदवार को वोट देकर एक भी वोट बर्बाद ना करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगले महीने चुनाव के बाद भाजपा LJP की सरकार होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को घेरने के मकसद से 4 देशों क्वाड के विदेश मंत्री आज जापान के टोक्यो शहर में कूटनीतिक वार्ता करेंगे। क्वाड नाम से इस संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस बैठक में क्षेत्र के भीतर शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर बातचीत होगी। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में होने वाली रोज की बढ़ोतरी में गिरावट देखी जा रही है। ये इस बात के संकेत है कि कोरोना की जंग में लड़ाई सही दिशा में जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 61,267 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 804 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 66,85,083 हो गई है और इस महामारी से मरने वालों की संख्या 103,569 हो गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात मजदूरों से भरे पिकअप वाहन को टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। ये वाहन पंक्चर होने की वजह से सड़क किनारे खड़ा था। वहीं इस हादसे में 24 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। आज फिर शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.94% ऊपर उठकर 39,339.42 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी 0.96 के बढ़त के साथ 11,163.30 के स्तर पर खुला। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में एम्स की रिपोर्ट में हत्या की आशंका खारिज होने के बाद शिवसेना ने कहा कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले राजनेता और न्यूज चैनलों को माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार सच की जीत हुई।
सुशांत की मौत का इस्तेमाल महाराष्ट्र की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया था। हाथरस कांड के पीछे जाति हिंसा की साजिश होने की आशंका के बीच मथुरा जिले से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का संबंध पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से है। हाथरस कांड के बाद जाति हिंसा की साजिश होने की आशंका पर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ के भाषणों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा इतनी दुर्बल नहीं है कि महज राजनीतिक बयानबाजी से खतरे में पड़ जाए।